गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। लास्ट हमने डिस्कस किया था डेयरी फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग। आज हम डिस्कस करते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो जब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो देखो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर मेडिटेरियन मीन्स मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर मेडिटेरियन लैंड्स जो उसके चारों तरफ जो मेडिटेरियन है, सी है, जो भूमध्य सागर है यूरोप के अंदर है, उसके आसपास के एरिया में जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्लियर। मेडिटेरियन सी जो मेडिटेरियन सागर है, भूमध्य सागर है, उसके चारों तरफ के एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार आप मैप के अंदर लोकेशन देख लें इसकी, मेडिटेरियन सी की, ये जो एरिया है आपका ये मेडिटेरियन सी है। क्लियर। के अंदर ये मेडिटेरियन सी है। तो यूरोप और इन नॉर्थ अफ्रीका एंड फ्रॉम सानिया टू अटलांटिक कोस्ट, साउथ कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर भी एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि सेम तरह का क्लाइमेट जो मेडिटेरियन भूमध्य सागर के पास में है, सेम तरह का क्लाइमेट इन एरियाज़ के अंदर भी मिलता है, तो वहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर होता है उसे हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। सेम टाइप का क्लाइमेट वहाँ पर मिलता है हमारे को इन एरियाज़ के अंदर, तो ये मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है। अब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के अंदर ये सबसे फेमस जो एग्रीकल्चर आता है वो आता है विटिकल्चर। देखो विटिकल्चर हम किसे कहते हैं, अंगूर की कृषि को, एग्रीकल्चर ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स की जो अंगूर की जो कृषि की जाती है उसको विटिकल्चर। यहाँ से वन मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय विटिकल्चर। विटिकल्चर मीन्स अंगूर की कृषि, ग्रेप कल्टीवेशन। तो या तो आपसे सीधा ग्रेप कल्टीवेशन पूछ लेंगे या विटिकल्चर। और दूसरा मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की मैं बात आपको यहाँ बताऊँ, जहाँ खट्टे फलों की कृषि की जाती है, यानी कि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के अंदर खट्टे जो फल हैं आपके, सिट्रस जो फ्रूट्स हैं, उनकी ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ग्रेप्स भी आपका आ जाता है। ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वाइन। यूरोप के अंदर ग्रेप्स का यूज़ जो है वाइन के बनाने के लिए भी किया जाता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। द इन्फीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इन टू राइजन एंड करंट्स, जो क्या है अंगूर हैं उसको सुखाने के बाद जो सूख जाता है उसको फिर उसके बाद मुनक्खा, ठीक है, और किशमिश बनाई जाती है। किशमिश आप सभी इन लोगों ने खाई होगी। तो किशमिश और मुनक्खा, घरों में मुनक्खा अलग चीज़ है और किशमिश अलग चीज़ है, दोनों ही ग्रेप से बनते हैं उनके सुखाने के बाद में, ठीक है। तो राइजिन्स एंड करंट्स उसको बोला गया, मुनक्खा एंड किशमिश। दिस रीजन ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑलिव्स एंड फिग्स। अब अंजीर और जैतून भी यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ऑलिव, अंजीर और फिग्स मतलब जैतून हो गया, वो भी यहाँ पर उसका भी प्रोडक्शन इस एरिया के अंदर किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन विंटर वैन देर इज अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स। ठंड का जो सीज़न आता है, विंटर जो सीज़न आता है, उसमें जब यूरोप और जो आपका अमेरिका वाला पार्ट है में फलों की, फ्रूट्स की और जो वेजिटेबल्स हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी डिमांड को पूरा इन्हीं एरिया से किया जाता है। क्लियर। तो ये था आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम साथ में कर लेते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर, जिसमें फलों की कृषि की जाती है, सब्जी की कृषि की जाती है, ठीक है, बाज़ार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है इन विच मेन एम्फेसिस, किसके ऊपर इस पे मेन फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, इज लेट ऑन द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। क्लियर। मेन एम्फेसिस किस पे रहता है आपका, वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर
एंड फ्लावर्स के ऊपर, ठीक है। दीज आइटम आर सोल्ड इन द नियर बाय अर्बन मार्केट्स, इसको आसपास की जो अर्बन मार्केट्स हैं शहरी क्षेत्र के अंदर इसको सेल किया जाता है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल फार्म्स विच आर वेल कनेक्टेड टू द अर्बन सेंटर्स, जो छोटे फार्म्स के अंदर इनको तैयार किया जाता है और जो कि वेल कनेक्ट होते हैं किसके साथ है? शहरी क्षेत्र के साथ, बाय द चीप एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सस्ता और सुविधाजनक जो ट्रांसपोर्ट इनको इजीली अवेलेबल हो जाता है। इट इज़ बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, इसके अंदर लेबर की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, जैसे आपने आसपास के एरिया में देखा होगा सब्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, फलों का किया जाता है, फ्लावर्स का किया जाता है, तो उनको तोड़ने के लिए लेबर की नीड भी होती है और इसके अंदर कैपिटल भी ज़्यादा लगती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। लेज एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ इरीगेशन, एच वाई वी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेस आपने कई बार खेतों में देखा होगा, पूरा एक घर टाइप सा बनाया गया होता है, शेड लगाया जाता है, चारों तरफ से बंद होता है, तो वह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट वहाँ पर किया जाता है। आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्ड रीजन, जो ठंडे एरिया है वहाँ पर एक आर्टिफिशियल जो है वहाँ पर हीट प्रोवाइड की जाती है। तो मेन एरियाज इसके आपके आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए बार बार वही कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, वो एरिया के नाम आ रहे हैं, आप मैप में देख चुके हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आपने ये चीज़ माइंड में सेट कर लेनी है वर्ल्ड मैप को कि कौन सा एरिया, यूरोप की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, मेडिटेरेनियन रीजन की बात हो रही है, तो कौन सी चीज़ कहाँ है। द नीदरलैंड स्पेशलाइज इन ग्रोविंग फ्लावर्स, देखो नीदर ये वन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन गया, जो नीदरलैंड्स है वो स्पेशलाइज किसके अंदर है, फ्लावर्स के प्रोडक्शन में एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के में, ठीक है, स्पेशली टूलिप्स, टूलिप का नाम पर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो नीदरलैंड है वहाँ पर पुष्प उत्पादन, जो फलों का उत्पादन हो रहा है उसमें स्पेशलिस्ट ही रखता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्शन होता है। और जो ट्यूलिप है वो जो एक प्रकार का फूल है, जो ट्यूलिप यहाँ पे वर्ड नाम दिया गया है, ट्यूलिप क्या है, इस एक प्रकार का जो है फ्लावर का नेम है और यहाँ पर जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और यूरोप के बाकी सिटीज़ के अंदर इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ से उनको एक्सपोर्ट किया जाता है उनके लिए। और जिन एरियाज़ के अंदर खासकर जो फार्मर्स हैं केवल सब्जियाँ पैदा करते हैं वहाँ इसे ट्रक फार्मिंग का नाम दिया जाता है। देखिए जो आ रही हैं, द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज़ नोन एज ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा गया रातों रात यहाँ से जो देखे आपने भी अपने आसपास के एरिया में देखा होगा कि सब्जियों को शाम को उतारा जाता है, खेतों से तोड़ा जाता है, लिया जाता है और उनको सुबह होने से पहले मंडियों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। अगर अब कुछ मैक्सिमम ऐसे होते हैं अगर आपने उनको रख लिया तो ख़राब हो जाएंगी और जिससे उनको रेट प्रॉपर नहीं मिलेगा फार्मर को, तो रात के रातों रात ही उसको सुबह होने तक जब मंडियाँ खुलती हैं तो वहाँ उस टाइम तक मंडियों तक पहुँचाया जाता है। तो ये काम मैक्सिमम किससे किया जाता है, ट्रकों से, तो ट्रकों के अंदर वेजिटेबल को लोड किया जाता है और वो सुबह होने तक मार्केट तक मंडियों तक पहुँच जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रक फार्मिंग। तो कई बार वन मास का क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रक फार्मिंग, और जैसे द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गाउंड बाय द डिस्टेंस बाय दैट अ ट्रक कैन कवर ओवर नाइट, पूरी रात में उसको तय करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया ट्रक फार्मिंग। तो अब ये दो टॉपिक हुए हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर और मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, दोनों की आप वीडियो वॉच करेंगे और क्वेश्चंस को अगर आपने लिखे हैं तो भी इसको दोबारा आप फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में लिख के ट्राई करेंगे। और मैं कह दूँ बार बार कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है, और पहले ही मैंने कहा था कि मेरे को पता चल जाता है इस चीज़ का, तो आप लोग इस वीडियो को देखें और जो नहीं देख रहे वो भी देखना स्टार्ट करें, ठीक है, थैंक यू।